प्रिय विद्यार्थी हूँ, बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें नाटक की परिभाषा, नाटक का उद्भव और विकास और नाटक के तत्व समाहित हैं। उसमें से आज का अपना प्रकरण है नाटक के तत्व। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। इंद्रिय बोध के आधार पर भारतीय आचार्यों ने काव्य के मुख्यतः दो भेद स्वीकार किए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। स्वर्ण इंद्रियों द्वारा जिस काव्य से आनंद प्राप्त किया जा सके वह श्रव्य काव्य है, जिसके अंतर्गत उपन्यास, कविता, कहानी, निबंध को लिया जा सकता है। इन्हें न सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि पढ़ा भी जा सकता है। इसके विपरीत जो काव्य नैनेन्द्रिय का विषय बने, अर्थात जिसे प्रत्यक्ष देखकर अवलोकन से रस भाव की अनुभूति हो, उसे दृश्य काव्य कहा गया है। इस दृष्टि से दृश्य काव्य ही मंच और मंचीय विद्या है। दृश्य की प्रत्यक्ष योजनाएं, वस्तु का विधान, पात्र योजना, उनकी वेशभूषा, हाव भाव, संवाद आदि उपकरणों से दृश्य काव्य का विधान किया जाता है। दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक का एक भेद है नाटक। नाट्य शास्त्रों में अभिनय संबंधी जितने भी तत्व स्वीकार किए गए हैं उसमें नाटक भी है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से होती है, जिसका अर्थ है साहित्यिक भावों का प्रदर्शन। दूसरे अर्थ में नाटक का संबंध अभिनेता से होता है और अभिनेता की विभिन्न अवस्थाओं की अनुभूति को ही नाटक कहते हैं। संस्कृत साहित्य में नाटक के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाटक की अपन परिभाषा की बात करें तो वह इस प्रकार से दी जा सकती है। साहित्य की जिस विद्या में अभिनेता मूल का पात्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार आसन करें करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक पात्रों ने किया। अगर मूल पात्र कल्पित हैं तब भी नाटककार ने उनके जिन कार्य व्यापार की कल्पना की है वैसा ही अनुकरण अभिनेता जिस विद्या में करता है वह विद्या रूपक या नाटक कहलाती है। अर्थात नाटक में अभिनेता मूल का जो पात्र है वह अपने ऊपर उसका आरोपण कर लेता है और उसी प्रकार का आचरण वह स्वयं करता है, उसे नाटक कहते हैं। नाटक में केवल साहित्यिक नहीं बल्कि अन्य ललित कलाओं का भी समन्वय होता है, जैसे संगीत, नृत्य, चित्र आदि। अब हम नाटक के तत्वों की चर्चा करते हैं। नाटक के तत्व। नाटक साहित्य की पुरातन विद्या है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के स्वरूप, विधायक तत्वों की विस्तार से चर्चा की है। तो अपन देखते हैं नाटक के तत्व कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। पहले हम भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक के तत्व देखेंगे। भारतीय नाटक परंपरा में आचार्य भरतमुनि का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें रूपक या नाटक के चार तत्व स्वीकार किए हैं, जिसमें पहला है संवाद, दूसरा है गान, तीसरा है नाट्य और चौथा है रस। दश रूपक के रचयिता धनंजय ने नाटक या रूपक के तीन प्रमुख तत्व दिए हैं। धनंजय का जो ग्रंथ है दश रूपक, उसमें उन्होंने रूपक या नाटक के तीन तत्व बताए हैं, जिसमें पहला है वस्तु, दूसरा है नेता और तीसरा है रस। कई विद्वानों ने इनके साथ अभिनय और वृत्ति को भी नाटक के तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अतः भारतीय परंपरा की दृष्टि से नाटक के चार तत्व माने गए हैं, जिसमें से पहला है वस्तु से, पहला है वस्तु और वस्तु से तात्पर्य कथा वस्तु से है, यानी उसका कथानक। वस्तु नाटक का प्रधान तत्व है। भारतीय आचार्यों ने वस्तु के स्रोत संगठन की दृष्टि से नाट्य वस्तु का विस्तृत विवेचन किया है। नाट्य वस्तु का समुचित विकास हो इसके लिए भारतीय नाट्य शास्त्र में वस्तु के भेद आदि का विस्तार से विचार किया है। साथ ही नाट्य वस्तु जिन संवादों के माध्यम से प्रकट होती है उस पर भी ध्यान दिया गया है। तो भारतीय परंपरा अनुसार
नाटक के तत्वों में पहला आता है वस्तु या कथा वस्तु। कथा वस्तु या फिर किसी कथा के बगैर किसी भी प्रकार की जो रचना है वो नहीं हो सकती। तो उसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वह कथा वस्तु है। कथा वस्तु के बगैर बिना कहानी के कोई भी रचना नहीं होती। दूसरा है नेता या जिसको चरित्र भी अपन कह सकते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है नेता। इसके अंतर्गत नाटक का नायक तथा उसके सहयोगी चरित्र योजना का विश्लेषण किया जाता है। भारतीय नाट्य शास्त्र में नेता या नायक सभी दृष्टियों से विशेष माना जाता है। उसके कार्य व्यापार की कल्पना उदार दृष्टियों से की है। इस दृष्टि से नायक या नेता धीर, नम्र, सुंदर, कुशल, त्यागशील, भाषण पटु, मधुरभाषी, लोकप्रिय, शुद्ध स्वभाव वाला, स्थिरचित्त, साहसी, युवा, कुलीन, शूरवीर, तेजस्वी, विभिन्न कलाओं में पारंगत, मार्मिक, संपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। भारतीय आचार्यों ने चार प्रकार के नायक या नेता माने हैं। यानी नायक के चार प्रकार भारतीय आचार्यों माने हैं, जिसमें से पहला होगा धीरोदात, दूसरा होगा धीर ललित, तीसरा है धीर प्रशांत और चौथा टाइप है उसका धीरोदत्त। इसी प्रकार नायिका के भी उन्होंने प्रकार बताए हैं, जिसमें स्वरूपवती, गुणवंती, शीलवती, यौवन, माधुरी आदि से संपन्न, प्रसन्न मन, स्नेहिल, स्निग्ध, भावपूर्ण, मधुर वचन बोलने वाली, शोभ रहित, योग्य नृत्य संगीत की जो जानकार हो। इस प्रकार से भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक का दूसरा तत्व उभर आता है नेता। और तीसरा इसका तत्व है रस। भारतीय नाट्य शास्त्र में रस की सिद्धि ही नाटक का उद्देश्य मानी गई है। भरत मुनि के अनुसार रस के अभाव में नाटक में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। नाटक में श्रृंगार रस, वीर, शांत में से कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए और शेष रसों की निष्पत्ति अंगी रस में आशित रूप में होनी चाहिए। भारतीय नाट्य शास्त्र में रस प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन किया गया है। चौथा है अभिनय। नाट्य के समुचित विषय का या वस्तु विधान का प्रेक्षागृह में बने रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण अभिनय कहलाता है। भारतीय नाट्य शास्त्र में अभिनय के भेद तथा रंगमंच का विस्तार से विवेचन किया गया है। अभिनय मुख्यतः चार प्रकार का होता है। पहला है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहारी और चौथा है सात्विक। तो जो भारतीय काव्यशास्त्र के भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के तत्व हैं उसमें अभिनय उसका प्रमुख अंग माना गया है। जिसमें अभिनय का मतलब है कि जो भी कथा वस्तु है, जो विषय है, उसको रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए, वही अभिनय है। और उसमें अंगों के संचालन द्वारा या वाचिक रूप से बोलकर या फिर जो वेशभूषा के द्वारा या स्वतः प्रकट होने वाले भावों के द्वारा अभिनय किया जाता है। अब है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के तत्व। हिंदी के आधुनिक नाटकों तथा नाट्यलोचन पर पाश्चात्य नाटक तथा नाट्यलोचन का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के छह तत्व स्वीकार किए हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा है कथावस्तु या कथानक, दूसरा है पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन, तीसरा देशकाल या वातावरण, फिर है भाषा शैली और अंतिम है उद्देश्य। तो पहला अपन देखेंगे कथा वस्तु या कथानक। यह नाटक का प्राण तत्व है। कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित, मिश्रित किसी भी प्रकार की कथा वस्तु हो सकती है। आजकल ऐतिहासिक पौराणिक कथा प्रसंगों का प्रतीकात्मक तथा मिथ के प्रयोग कथा वस्तु के रूप में होने लगा है, किया जा रहा है। कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, आधिकारिक कथा तथा प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा वह कथा होती है जो किसी भी कथानक में या फिर कथा में उसके जो मुख्य प्रधान कथा होती है, और प्रासंगिक कथा उसके साथ साथ समानांतर चलने वाली कथा प्रासंगिक कथा कहलाती है। पाश्चात्य धारणा के अनुसार कथा विकास में संघर्ष तत्व प्रधान होता है तथा नाटक का अंत प्राय दुखांत होता है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार जो नाटक का अंत है वो प्राय सुखांत न होकर दुखांत होता है। दूसरा जो उसका तत्व है चरित्र चित्रण। पात्र योजना तथा चरित्र चित्रण के प्रति पाश्चात्य दृष्टि स्वाभाविक और यथार्थ रही है।
अतः भारतीय आचार्यों के समान नायक तथा अन्य चरित्रों के प्रति आदर्शवादी दृष्टि पाश्चात्य विद्वानों की नहीं है। अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रण में नाटककार को चार बातों की ओर ध्यान रखना होता है या ध्यान रखना चाहिए। इसमें अच्छा चरित्र, औचित्य का ध्यान, जीवन के अनुरूप चरित्र में सुसंगति। चरित्र चित्रण से तात्पर्य उसके आभ्यंतरित रूप तथा बाह्य व्यक्तित्व के प्रकटन से होता है और यह प्रकटन नाट्य व्यापार तथा संवादों के माध्यम से हो सकता है। अर्थात जो पात्र मुख्य पात्र या जिसको कहें प्रधान पात्र और जो गौण पात्र हैं उनके आपस में जो वार्तालाप या संवाद है उसके माध्यम से उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वह उद्घाटित होकर हमारे सामने आती हैं। पात्रों को व्यक्ति पात्र तथा प्रतिनिधि पात्र दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तीसरा जो तत्व है कथोपकथन या संवाद। नाटक संवादों के द्वारा लिखा जाता है। पात्र के चरित्र चित्रण का विकास रोचकता वातावरण सृजन संवादों के माध्यम से होता है। इस तत्व के अभाव में नाटक की कल्पना ही साकार नहीं हो सकती। संवाद जितने सार्थक संक्षिप्त वक्र शक्ति संपन्न होते हैं नाटक उतना ही सफल माना जाता है। अतः संवादों की भाषा सरल सुबोध प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात नाटक है उसमें वार्तालाप या संवाद या कथोपकथन उसका एक तरीके से प्राण तत्व होता है। उसके बिना नाटक की कल्पना ही नहीं की जा सकती और जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण संवादों के बिना प्रकट नहीं हो सकता और पात्रों का जो वार्तालाप है या संवाद है वो एकदम संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे छोटे रोचक होने चाहिए, कौतूहल वर्धक होने चाहिए और उसमें नाटकीयता का गुण होना चाहिए। इस प्रकार के जो संवाद होंगे उससे संपन्न जो नाटक होता है वह सफल नाटक कहलाता है। चौथा अपना प्रकार होगा तत्व होगा देशकाल या देशकाल वातावरण। नाटक में जिस देशकाल का दृश्य उपस्थित किया जाता है उसे साकार करने के लिए नेपथ्य वेशभूषा रंगभूषा भाषा सांस्कृतिक संकेत आदि पर ध्यान देना अनिवार्य है। पाश्चात्य नाट्यविदों ने देशकाल का निर्वाह करते समय संकलन त्रय निर्वहन का प्रतिपादन किया है। संकलन त्रय का मतलब होगा स्थल समय काल की एकता। स्थल है समय और काल की एकता जहाँ हो उसे संकलन त्रय कहा जाता है और ये नाटक में आवश्यक होता है। कथा के युग के अनुसार ही समाज राजनीतिक परिस्थितियों का अंकन नाटक में होना चाहिए। अर्थात जिस काल की जो कथा वस्तु उस नाटक में प्रस्तुत की जा रही है उस काल से संबंधित ही दृश्य वेशभूषा रंगभूषा भाषा शैली का प्रयोग उसमें किया जाता है। जैसे ऐतिहासिक नाटक हैं सामाजिक नाटक हैं। ऐतिहासिक नाटकों में तो इन तत्वों का निर्वाह अत्यंत ही अपरिहार्य या आवश्यक होता है। सफल नाटककार दृश्य विधान मंच व्यवस्था वेशभूषा अभिनय आदि के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि कर लेता है। इस प्रकार देशकाल और वातावरण का जो सफल ध्यान रखने से जो नाटक है वो सफलता को प्राप्त होता है। अगला जो अपना तत्व है नाटक का वो है भाषा शैली। संवादों को सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा शैली का आश्रय लेना अनिवार्य है। नाटक की भाषा सहज सरल सजीव अभिनयानुकूल होनी चाहिए। गंभीर तथा हास्य व्यंग्य प्रधान शैली तो सर्वश्रुत है। यह माना जाता है कि सफल शैली के लिए सरलता अनिवार्य शर्त है। साथ ही वह कलात्मक एवं प्रभावशाली भी होनी चाहिए। भाषा की अलंकृत लाक्षणिक वक्र और प्रभावशाली होने पर नाटक का सौंदर्य अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार नाटक की जो भाषा शैली है वो अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए और सजीव उसमें जो होनी चाहिए जिससे वह अभिनय के अनुकूल हो। अगला है उद्देश्य। पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जीवन यथार्थ जीवन संघर्ष को सामने लाना नाटक का उद्देश्य है। नाटक मात्र मनोरंजन के साधन नहीं है, यथार्थ से जूझते हुए समाज की सार्थक प्रस्तुति नाटक का लक्ष्य रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी रचना हो उसमें वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है और उसका जब वह उद्देश्य पूर्ण होता है उसके माध्यम से वही रचना
सफल मानी जाती है, अर्थात नाटक है वह पूर्णतः शोद्देश्य होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। और इस प्रकार नाटक के तत्वों को हमने देखा। धन्यवाद।